दिखाने वाले कि दाऊजी मेले में कौन कौन से झूले आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कितने झूले लग चुके हैं और कौन कौन से झूले इस बार नहीं आए हैं। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से झूले रह गए हुए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए यहाँ से झूलों की स्टार्ट होती है। पहला झूला आपको ये देखने को मिलता है, दूसरा झूला इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही मेले में आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको यहाँ ब्रेक डाउन झूला देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको ये आसमानी झूला, यानी कि अभी हम जो मेन गेट से इधर से हम घुसते हैं ना, वो मैं उधर साइड हूँ, ठीक है, वहाँ से हम घुसते हैं मेले में तो चढ़ाई की ओर, तो उधर साइड हूँ मैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये झूले लगे हुए हैं कुछ, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये आसमानी झूला देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर और कौन कौन झूले वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला झूला है वो नावला के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी झूले आए हुए हैं वो झूलों को आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर आसमानी झूला आया हुआ है। और यहाँ आपको बता दें कि जो पिछले ऐसे हथौड़े वाला झूला कहते हैं वो झूला भी नहीं आया इस मेले में, और जिसे वो कहते हैं ना वो मौत का कुआ था, यानी कि 2023 में यहाँ पर मौत का कुआ जो आता है वो भी नहीं लगा है इस बार मेले में। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो झूला है वो झूला लगा हुआ है चांद तारा झूला, जो कि पिछली बार इस मेले में नहीं था झूला, इस बार लगा तो काफी शानदार झूला है। तो ये झूला क्या करता है कि अभी हम झूले के पास जाके दिखा देते हैं किस प्रकार से ये झूला काम करता है, चांद तारे वाला, चांद तारे यानी झूला जैसे बोलते हैं वो झूला यही है। और झूले में क्या होता है कि ये झूला राउंड करते हुए ऊपर जाता है और राउंड करते हुए नीचे आता है, तो इस प्रकार से झूला काम करता है। यानी पिछली बार मेले में जो बहुत सारे झूले आए हुए हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक चांद तारे झूला है जो काफी बेहतरीन झूला है। इस झूले को आप देख पा रहे होंगे ये सीटें हैं, हम देख पा रहे हैं कि दाऊजी मेले में अभी जो गांव से लोग आते हैं वो लोग अभी नहीं आ पा रहे पूरी तरह से, तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे 2-4 दिन बीतेंगे और उसी प्रकार से गांव के लोग आने लगेंगे तो मेले में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगेगी। तो आज दूसरा दिन है मेले का, यानी कि 22 सितंबर है, तो देख पा रहे होंगे कि मेले में अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। तो इसी प्रकार से अभी आगे और दिखाते हैं कि कौन कौन झूले यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इस बार आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि जो हथौड़े वाला झूला था वो नहीं आया है, और मौत का कुआ है वो नहीं आया है, और एक आध झूले हैं वो नहीं आए हैं इस बार, ठीक है। तो अभी आपको और आगे दिखा देते हैं कि कौन कौन से हैं, क्लियर कर लेते हैं आपको पूरा चीज। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे ये जो झूला है ये इस बार मेले में नहीं, तो पिछली साल ये झूला जो नहीं लगा था मेले में, इस बार नया लगा है। तो यहाँ पर जो झूले के जो टिकट चेक करने वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए सर जी, ये झूला पहली बार लगा के मेले में? पहली बार लगा सर, पहली बार लगा ये झूला। अच्छा, तो इसकी जो टिकट प्राइस है वो कितने हैं इसके? 70 रुपये। और तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि जो टाइमिंग है इसकी, यानी कि एक बार 70 रुपये टिकट लेने के बाद में कितना मिनट झुलाते हैं आप यहाँ पर? 5 मिनट आते हैं, यानी कि 5 मिनट आपको पूरा राउंड लगेंगे, यानी 3 राउंड में झूला झूलता है। जैसा देख पा रहे होंगे अभी आप यहाँ पर कि ये झूला 3 राउंड लेता है, यानी कि उसे घूमते हुए। तो ये है नया झूला यहाँ पर काफी। तो आप भी जब मेले में इसमें आए तो इस झूले को जरूर झूलना, और अगर आप कमेंट करते हैं तो झूले को भी हम झूल कर दिखा देंगे, ठीक है। तो और भी यहाँ पर झूले देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर नए झूले लगे हुए हैं। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया होगा 2 झूले नए आए हैं, जो कि पिछली बार नहीं लगे थे इस बार लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर और भी हैं, तो कौन कौन से नए झूले हैं, क्या क्या नई चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ठीक है, ओके। ज्यादातर जितने भी यहाँ पर झूले लगे हुए हैं वो 2-3 संख्या में लगे हुए हैं। और अभी हम चलते हैं पल्ला जहाँ प्रोग्राम होते हैं मेन मंच की ओर। तो अब तक आपने जितने भी झूले देखे थे वो स्टेज के सामने वाले झूले थे और सामने वाली गली वाले झूले थे, अभी हम जा रहे हैं स्टेज के पीछे, कितने झूले लगे हुए हैं। देखिए स्टेज के पीछे झूले हैं वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले आइसक्रीम वाला जो दुकान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो झूला है गाड़ी वाला, यानी कि पुलिस की गाड़ी वाला झूला है बच्चों का, तो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आगे और भी झूले दिखा देते हैं, यहाँ पर जितने भी झूले हैं वो सारे झूले देख लेते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे के जो आसमानी झूला, यानी कि ये भी यहाँ पर इधर भी लगा हुआ है आसमानी का झूला।
तो आसमान झूला आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये इधर भी लगा हुआ है, यानी कि जो इस बार मेले में यानी कि तीन आसमानी झूले आए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से कई बार जो और भी यहाँ पर झूले हैं वो भी झूले यहाँ पर आए हुए हैं। तो ज़्यादातर जितने भी झूले हैं मेले में उन सभी झूलों की टिकट 70 रुपये है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है नाव वाला झूला, इसकी भी टिकट 70 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी ज़्यादा झूले जो बड़े बड़े झूले हैं तो वो सभी की जो टिकट के प्राइस हैं वो 70 रुपये हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर जो दाऊजी मेला है हाथस में जो लगा है वहाँ पर कौन कौन से झूले आए हुए हैं और कौन कौन से झूले लगे हुए हैं, तो वो सारे चीज़ झूले आपने देख ही लिए होंगे। आपकी कमेंट आई थी कि झूले कौन कौन से लग रहे हैं, रेंजर झूला आया है नहीं आया है, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको जितने भी झूले मेले में लगे हुए हैं वो सारे झूले हमने इस वीडियो में दिखा दिए। दोस्तों जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मतलब आप यार करके आ रहे हो यार, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ शूट कर रहा हूँ लेकिन हमारे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।